हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी द एल्डर स्क्रोल्स 5 स्काईरिम गेम के बारे में सुना है? हो सकता है आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना हो, और हो सकता है सुना भी हो। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे, आखिर ये गेम है कैसा। तो अब ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, द एल्डर स्क्रोल्स 5 स्काईरिम गेम को बनाया है बेथेस्डा गेम्स ने, उसे पब्लिश किया है बेथेस्डा गेम्स ने। और इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम 11 नवंबर 2011 को पूरी दुनिया के लिए रिलीज हो चुका है। और इस गेम की पीसी की बात करें, विंडो पीसी के लिए रिलीज डेट की, तो यह गेम 28 अक्टूबर 2016 को विंडो पीसी के लिए पूरी दुनिया में रिलीज हो चुका है। और इस गेम की बात करें, इस गेम को कौन कौन से प्लेटफॉर्म में खेलते हैं, आप इस गेम को सभी प्लेटफॉर्म में खेल सकते हैं, चाहे वो निंटेंडो स्विच हो, PS4 हो, PS3 हो, एक्सबॉक्स हो, एक्सबॉक्स वन हो, या विंडो पीसी हो, आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म में गेम को खेल सकते हैं। और आप इस गेम को विंडो पीसी में खेलना चाहते हैं तो हम इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, गेम को खेलने के लिए आपको इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर चाहिए, और हैवी का भी खेलने के लिए i7 का प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम में 8 GB और रिकमेंडेड में 16 GB रैम चाहिए। ग्राफिक की बात करें तो इस गेम को खेलने के लिए मिनिमम में 2 GB और रिकमेंडेड में 4 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए, क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं, इस गेम के ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं। और इस गेम की अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो इस गेम को खेलने के लिए आपको 12 GB तक डिस्क स्पेस चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, यह गेम 2017 टॉप 200 गेम के अंदर यह गेम आता है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने 200 गेम्स के अंदर इस गेम की भी रैंकिंग है। और अगर इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इस गेम की कोई स्टोरी है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमें एक है ओपन वर्ल्ड गेम है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई, बस यही इस गेम की पूरी स्टोरी है। और हम बात करें, इस गेम को आप मल्टीप्लेयर में नहीं खेलते हैं, एक सिंगल प्लेयर गेम है, तो मतलब आप इस गेम खेलते हैं आपको इस गेम को सिर्फ सिंगल प्लेयर में ही खेलना होगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।